आज सत्य की जीत हुई है और आज जिस तरह से देश के न्याय के मंदिर में आज इस एक देशभक्त के लिए जो न्याय मिला है, मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को। उनके इस फैसले से आज भारत की गरिमा फिर से वापस लौटी है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, क्योंकि इस देश में इतना तो हो गया कि इस देश में अभी भी राम रूपी आत्मा है, न्याय है। और आज अर्णव गोस्वामी रिहा हो रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने सारे सहकर्मियों को जिन्होंने हम लोगों के साथ मिलकर के इस आवाज़ को बुलंद किया था। मैं दो लाइन पढ़ना चाहूँगा अपने अर्णव गोस्वामी जी के लिए। दुश्मनों के हम हैं दुश्मन, दोस्तों के हम यार हैं, अपनों के लिए हैं अपने, दुश्मनों के लिए तलवार हैं। जिस किसी में हौसला हो हमें अजमा कर देख ले, मरना अपने वतन पर यारो हमसे कोई सीख ले। ये सच है, ये लाइन इन पर फिट बैठता है अर्णव गोस्वामी पर। दुश्मनों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए और देश के बेईमानों के लिए ये पत्रकार बिल्कुल दुश्मन है। और देशभक्त हैं, जब जब इस देश में रावण रूपी राक्षस समाज को दूषित करने का काम किया है, ये राष्ट्रवादी पत्रकार बिल्कुल खरा रहा है। मैं अर्णव गोस्वामी जी को, उनके परिवार को के साथ हूँ और आज वो बाहर आएंगे, वो परिवार के साथ मिलकर दीपावली मनाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं फिर एक बार बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ा फैसला दिया है। जिस तरह से बदले की भावना में महाराष्ट्र सरकार काम कर रही थी और एक ऐसे व्यक्ति को न्याय दिया है, आपने 130 करोड़ भारतीय जनता को के साथ उनके विश्वास को कायम रखा है। भारत माता की जय।